श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 11 साल की उम्र के विच गुरगद्दी संभाली ते 1606 ईस्वी नूं 3 मई 1606 ईस्वी नूं श्री गुरु अर्जन देव जी नूं शहादत तों बाद इन्हां ने जिस वक्त गुरगद्दी संभाली ते इन्हां ने एक नवी ही रचना कीती कि उन्हां ने आर्डर किया अपने सिख कौम के प्रति कि मैनू हुण नौजवानों की जरूरत है, मैनू योध्या की जरूरत है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने जिस वक्त शहीदी जो शहादत पाई तो उन्होंने नवा एक स्टैप चुकया और नौजवानों नूं कहा कि मैनू जिहड़े कि घुड़सवारां की जरूरत है, शस्त्रां की जरूरत है, कि जुलम का मुकाबला जिहड़ा है वह जालम नाल संत और सिपाही बन के जिथे असीं संत हाँ उत्थे सिपाही बन के भी किया जा सकता है। तो गुरु साहब ने 4 जंगा लड़िया और मुगल हुकूमत के बराबर जिहड़ा कि उन्होंने अकाल तख्त साहब की रचना की जिसनों सिख धर्म की जिहड़ी कि सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, धार्मिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और मुगल हुकूमत के खिलाफ उन्होंने फतवे जारी करने शुरू कर दिते और 4 जंगा भी लड़िया और जिहड़े 2 निशान साहब गुरु ग्रंथ साहब जिथे हरिमंदर साहब के सामने उन्होंने लगाए मीरी और पीरी, उन्होंने जिहड़े कि संत और सिपाही के जिहड़े उन्होंने जिहड़े वह 2 जिहड़े निशान साहब लगाए, धर्म नूं उन्होंने उच्चा रखिया ते राजनीति नूं नीवा रखिया और धर्म और राजनीति नूं इकट्ठा किया कि जिहड़ा इंसान धर्मी होएगा अगर वह राजनीति च आएगा तो किसी नाल भी वह जुलम नहीं करेगा, और उन्होंने धर्म ते राजनीति नूं बराबर इकट्ठा करके ते जिस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब जी साढ़े इतों जम्मू तो होंदे हुए बारामूला विखे यात्रावां कीतियां, गुजरात और पूरे हिंदुस्तान दे विच यात्रावां कीतियां और सिक्खी का प्रचार किया, और उस समय दे जिहड़ा मुगल हुकूमत जिहड़ा जहांगीर सी उसनों ये चीज़ां जिहड़ियां जहांगीर की मौत तो बाद शाहजहां आया उन्हों ये चीज़ां जिहड़ियां वह बर्दाश्त नहीं हुई, तो गुरु साहब नूं जिहड़ा कि आगरे तो ग्वालियर दे विच बुला के ते उन्हां नूं उत्थे कैद किया गया जिथे उन्होंने देखा कि अगे जिहड़े 52 ने जिस वक्त उत्थे जेल च गए तो उन्होंने सहारा दिता और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दुनिया का जिसले सारी दुनिया का चारों तरफ दबाव पिया, संगत का दबाव पिया, तो ग्वालियर के किले नूं घेर लिया गया
ते आखरी दबाव दे विच उसने गुरु साहब नूं बगैर शर्त तो छड़ना स्वीकार कर लिया। ते उन्होंने कहा कि मैं बाहर इस वक्त तद आवांगा जदों तक ये जिहड़े बाई धारां दे पहाड़ी हिंदू राजे जिहड़े हन ओह कैद किते इन्हां नूं छड्डोगे ते मैं फिर बाहर आवांगा। फिर उन्होंने कहा कि तुसीं अपने संस्कृति नूं बचांदे होए अपना सरबंस वारिया, लेकिन साडे 1984 दे विच जिहड़े साडे नौजवान जिहड़े उस समय दे अंदर जिहड़े नौजवान सन ओह उन्हां नूं उन्हां दीआं सजावां पूरियां हो गईआं, लेकिन अज तक साडी हुकूमत ने बाहर नहीं उन्हां नूं कढ़िया। लेकिन बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि अगर उन्होंने जो जुर्म किया सी उन्हां नूं सजावां भी मिल गईआं और सजावां पूरियां भी कर चुके हैं, लेकिन साडी इस हिंदुस्तान की गौरमेंट चाहे वह कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही उन्होंने जो साडे जो बंदी सिंह अज तक नहीं छड्डे। असी इस जिला गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्लेटफार्म तो असी यह सरकार को मंग करते हैं कि अज कितने साल हो गए हैं, कितने बरे हो गए हैं और लोग बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अज उन्होंने नाल जाति की जा रही है। असी चाहते हैं कि इस शुभ मौके पर साड़ी जिहड़ियां सरकारां थोड़े अपने कान खोलन ताकि साढ़े जिहड़े सिख जिहड़े बंदी जिहड़े हैं उन्होंने छोड़िया जाए और आओ सारे मिलकर असी उस वाहिगुरु अगे उस सच्चे पातशाह अगे यही अरदास करिए कि वाहिगुरु जिहड़े गुरुआं ने सानू जिहड़े असूल बख्शे हैं जिहड़े सानू माण मर्यादा दित्तियां हैं ते आओ असी उन्हां ते चल के जिहड़ा अपना जीवन सफल करिए। सो मैं आखिर दे विच प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि जिहड़े कि साडे जिला लैवल ते जितने भी प्रोग्राम